धन गुरु तेग बहादुर साहब कहते हैं, उस्तत निंदा दोह ते आ गए, खोजे पद निरबाना पर जन नानक एओ खेल कठन है, कि न हो गुरमुख जाना बहुत औख है। क्यों? मनुख निंदा सुनना चाहता है, बशर्ते दूजे दी होवे दुश्मन दी होवे। मनुख उपना सुनना चाहता है, बशर्ते अपनी होवे। बड़ी खुशी मिलती है दूजे की निंदा सुन के, बड़ी खुशी मिलती अपनी उपमा सुन के। बहुत दुख होता है जब निंदा अपनी हो, बड़ा दुख होता है जब उपमा दुश्मन की हो, वैरी की हो, बड़ा दुख होता है, बड़ा कलेश पहुंचता वो उपमा। आपकी ज्ञात ले अर्ज करा, संसारी के ये लक्षण ने जो दूजे की निंदा सुन के खुश आंदा है, अपने उपमा सुन के खुश आंदा, संसारी मनुख है। हुण भगत किसनों आखोगे? अपनी निंदा सुन के खुश आंदा है, खुश आंदा है, अपनी उपमा सुन के दुखी आंदा, दुखी भी आंदा है अपनी उपमा सुन के। सारा जगत रहीम नूं दानी कहिंदा सी, यानी अज तक अवतारी पुरशां ने कहा ना दसवंध कढ़ो, वो सिर्फ दसवंध अपने कोल रखता सी, नौ हिस्से दान कर देता सी। इन्ना वड्डा दानी कवि रहीम, ये होम मिनिस्टर सी अकबर काल दे, वजीरे खाने खाना कवि रहीम, बड़ा विद्वान, इहदा ग्रंथ भी है रहीम दुहावली, बहुत वड्डा विद्वान, पठान सी काबली। अकबर ने इसनों होम मिनिस्टर बनाया होया सी, सियाणा बड़ा, सूझवान बड़ा। ये सिर्फ एक फीसदी एक हिस्सा अपने कोल खर्चे दा रखदा सी, नौ हिस्से दान कर देंदा सी। लेकिन दान देन लगे दा सिर नहीं बाउंदा सी। एक दिन एक साधु ने कह दिता, जे तेरा हाथ उपर आउंदा है तो तेरा सिर भी उच्चा होना चाहिए, तू सिर नीवा क्यों करदा है? देना है हाथ जो है सिर नीवा कर लेना, जब तेरा हाथ उपर है अपना सिर भी उपर रखिया कर। रहीम कहंदे ने, साई सबको देत है, पोखत है दिन रैन, लोग नाम मेरो कहें या ते नीचे नैन। देंदा ते सबनू रब भी है, ददा दाता एक है, देंदा सबनू प्रभु है, पर करा की लोकी मैनू दानी आखी जांदे ने, शर्म नाल मेरा सिर झुक जांदा है, की करा, शर्म नाल मेरा सिर नीवा हो जांदा है और मेरा मन बड़ा दुखी होंदा है। भगत दी पहचान अपनी उपमा सुन के दुखी होंदा है, अपनी निंदा सुन के खुश होंदा है। ध्यान नाल सुनना, कबीर कहिंदे ने, निंदो निंदो मोको लोग निंदो, रज के करो मेरी निंदा। क्यों? निंदा जन को खरी प्यारी, निंदा बाप निंदा मैं तारी। निंदक ते मां बाप दी तरह ने, सावधान रख देना। जिहड़ी जिहड़ी बुराइयां दा मेरा जिक्र कर देन, मैं सुचेत हो जांदा, अपने आप नूं सावधान कर लैंदा, कहिंदा निंदक चाहीदे ने, इह तां मां बाप दी तरह ने। खुश है कबीर, निंदा बाप निंदा मैं तारी, हृदय सुध जो निंदा होए, हमरे कपरे निंदक धोए। बड़ा परोपकार करदा साडे मन नूं धोंदा है, बहुत वड्डी गल। गुजरात दे च एक संत होए ने दया राम करके, उन्हां दा बहुत वड्डा ग्रंथ है दया राम सतसई करके, उसनूं कहिंदे ने। उहदे च मैं दो बोल पढ़े उस महापुरश दे, उह कहिंदा है, मानू मात पिता हूं ते निंदक को अतने, मैं ते निंदक नू मां बाप नालों भी ज्यादा सन्मान देना। क्यों? मां नू मात पिता होते, निंदक को अति ने वो धोए मलमूत्र कर, ये रस ना लख लियो,
ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਲ ਮੂਤਰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਨਿੰਦਕ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦਾ। ਦਇਆ ਰਾਮ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਸੰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੋਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਉਪਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਭਗਤ ਆਪਣੀ ਉਪਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਰਾਨੀ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਸੋਹਬਤ ਦੋਸਤ ਰੰਜਮ, ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦਮ ਕਦਮ 'ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਹੋਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਸੋਹਬਤ ਦੋਸਤ ਰੰਜਮ ਕਿ ਇਹ ਹਲਾ ਕੇ ਬਦਮ ਹੁਸਮ ਨੁਮਾਇਦ, ਮੇਰੇ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਬਦ ਇਖਲਾਕੀ ਨੂੰ ਹੀ ਇਖਲਾਕ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਾਂ? ਅੱਜ ਸੋਹਬਤ ਦੋਸਤ ਰੰਜਮ ਕਿ ਇਹ ਹਲਾ ਕੇ ਬਦਮ ਹੁਸਮ ਨੁਮਾਇਦ, ਐਬਮ ਹੁਨਰੋ ਕਮਾਲ ਬੇਨਤ, ਮੇਰੇ ਐਬਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ, ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਬਮ ਹੁਨਰੋ ਕਮਾਲ ਬੇਨਤ, ਖਾਰਮ ਗੁਲ ਯਾ ਸਮੇ ਨਮਾਇਦ, ਮੇਰੇ ਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚਮੇਲੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਯਾਸਮੀਨ ਚਮੇਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚਮੇਲੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਬਦ ਇਖਲਾਕੀ ਨੂੰ ਇਖਲਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਕੋ ਦੁਸ਼ਮਨ ਸ਼ੌਖ ਏ ਚਸ਼ਮ ਬੇਬਾਕ, ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਉਸ ਬੇਬਾਕ ਦੁਸ਼ਮਨ ਨੂੰ। ਪਤਾ ਬੇਬਾਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਮੂੰਹ ਫੜ ਜੋ ਆਇਆ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਬਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੌਕਾ ਮਹਿਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਮੂੰਹ ਫਟਿਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਪਾਟਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਦ ਬਖਤ ਹਮ ਚੋਂ ਬਖੀਲ ਗਾਫਲ, ਤਲੰਗ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਸਕਣ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਦ ਬਖਤ ਹਮ ਚੋਂ ਬਖੀਲ ਗਾਫਲ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੁਗਲ ਖੋਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਗਲੇ ਦੇ ਚੁਗਲੀ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦਾ। ਗਾਫਲ ਅਚੇਤ ਵੀ ਬੜਾ, ਨਾਦਾਨ ਵੀ ਬੜਾ। ਬਦਬਖਤ ਹਮ ਚੋਂ ਬਖੀਲ ਗਾਫਲ, ਬੇਨਜ਼ਰ ਬੇਵਾਕ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਾਂ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੇਨਜ਼ਰ ਬੇਵਾਕ, ਮੂੰਹ ਫਟਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਬਦਬਖਤ ਹਮ ਚੋਂ ਬਖੀਲ ਗਾਫਲ, ਬੇਨਜ਼ਰ ਬੇਬਾਕ, ਨਾਨਕ ਬਗੋਇਦ ਜਨ ਤੁਰਾ, ਤੇਰੇ ਚਾਕਰਾਂ ਪਾ ਖਾਕ, ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਚਲੋ ਨਾ ਸਹੀ, ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਤੇ ਚਲੋ ਨਾ ਸਹੀ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਹੀ ਬਣਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਤੋੜ ਬਣਾ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਬਦਬਖਤ ਹਮ ਚੋਂ ਬਖੀਲ ਗਾਫਲ, ਬੇਨਜ਼ਰ ਬੇਬਾਕ, ਨਾਨਕ ਬਗੋਇਦ ਜਨ ਤੁਰਾ, ਤੇਰੇ ਚਾਹ ਕਰਾਂ ਪਾ ਖਾ ਖੈਰ। ਸਾਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋ ਦੁਸ਼ਮਨ ਸ਼ੌਖ ਏ ਚਸ਼ਮ ਬੇਬਾਕ, ਉਹ ਬੇਬਾਕ ਦੁਸ਼ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੂੰਹ ਫਟ ਦੁਸ਼ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕੋ ਦੁਸ਼ਮਨ ਸ਼ੌਖ ਏ ਚਸ਼ਮ ਬੇਬਾਕ, ਤਾਂ ਐ ਬੇ ਮਰਾ ਬਮਨ ਨੁਮਾਇਦ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਔਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇ, ਮੇਰੀ ਬਦ ਇਖਲਾਕੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇ, ਮੇਰੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇ। ਕਿਉਂ?
अपने चेहरे देते कोई धब्बा होवे ते अपनी अखां नहीं देख सकदियां, दूजे दी देखदियां। अपनियां गलतियां मनुख नूं नहीं दिखाई देंदियां क्योंकि बहुत नेड़े ने, बहुत जो नेड़े होवे अख नहीं देखदे। अखां दे उत्ते मैं किताब रख लवां पढ़ सकांगा, अकर नहीं दिखाई देणगे। अखां दे उत्ते तस्वीर रख लवां दिखाई देगी नहीं। अपना आप बहुत नेड़े है, अपनी मूर्खता नहीं दिखाई देती, दूजे की दिखाई देती, दूजा दूर है, देखने वास्ते थोड़ी दूरी चाहिए। अपनिया गलतियां नहीं दिखाई देती। जिस मनुख को अपनिया गलतियां दिखाई देंदियां ना, अपनिया भुला, उन्हों कहिंदे ने अंतरमुखी है, ये तो गुरमुख है। इहदा ध्यान अपने विच गहरा चला गया, और थोड़ा जिहा भी ध्यान अपने विच गहरा जाएगा, यकीन जानो पहले गलतियां ही दिखाई देणगे। ये भी मैं अर्ज कर दिया, पहले भुलना ही दिखाई देंगे। और वो पता की कह देगा, कबीर सब ते हम बुरे, हम तो जो भलो सब को, सारे ही चंगे ने, सारे ही चंगे। क्यों? ऐसा मनुख सारियां नूं उपरों उपरों देखण लग पैंदा है। तो उपरों उपरों ते हर एक चंगा है, उपरों उपरों ते हर एक ज्ञानी है, दानी है, शरीफ है, गुरमुख है, उपरों उपरों तो सारे चंगे ने। ऐसा मनुख चूंकि अंतरमुखी हो जाता है, संसार नूं उपरों उपरों देखता है, तो सारे संसार उन्हों गुण ही गुण दिखाई देते, सारे प्यारे लगते हैं। अपने नूं गहरा देखता है, तो गहराई देखता है तो अपने फुलां दिखाई देंदियां, गलतियां दिखाई देंदियां। ये अंतरमुखी की पहचान है जब अपनिया ही गलतियां दिखाई दे। आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, अंग्रेजा ने दिल्ली का तख्त बहादुर शाह जफर को खोया से। जिमें पंजाब लाहौर का तख्त महाराजा रणजीत सिंह को, दिल्ली का तख्त अंग्रेजा ने खोया बहादुर शाह जफर को। यह बंदगी बहुत करता सी, नाम बहुत जपता सी। कुछ इतिहासकार तो कहते हैं जल्दी इस वास्ते हार गया, लड़न की रुचि नहीं सी, बंदगी करदा सी, अंतरमुखी हो गया सी। अंतरमुखी हो गया इस दे बोल भी दसदे ने, इहदा एक शेर मैं थानू सरवण करावां। एक कहिंदा है, जब ना थी अपने गुनाहों की खबर, देखते थे दुनिया के ऐबो हुनर। जब मैं दुनिया नू बड़ी गहराई नाल देखदा सी, लोकी पापी दिखाई देंदे सन, मूर्ख दिखाई देंदे सन, लोभी दिखाई देंदे सन, क्रोधी दिखाई देंदे सन, सारियां नू मैं गहरा देखदा सी, अपने नू मैं उपरों उपरों देखदा सी, तो मैनू अपना आप ते बहुत चंगा दिखाई देवे। बहादुर शाह जफर, जब न थे अपने गुनाहों की खबर, देखते थे दुनिया के ऐबो हुनर। जब अपने गुनाहों पे पड़ी निगाह, तो जहां में कोई बुरा ना रहा। जिस दिन दा मैं अंदर अपने आप दे जात मारी है, फिर हुण संसार विच एक बंदा भी बुरा नहीं, सब ठीक ने, सब ठीक ने, कोई भी बुरा नहीं। कहिंदा है, कौन? मैं बुरा। इंज कहिंदा कबीर सब ते हम बुरे, हम तज भलो सब कोए, जिन ऐसा कर बूझया मीत हमारा सोए। जब न थी अपने गुनाहों की खबर, देखते थे दुनिया के ऐबो हुनर। जब अपने गुनाहों पे पड़ी निगाह, तो जहां में कोई बुरा ना रहा। जफर आदमी उसको ना जानिएगा, कहिंदे उस मनुख नूं मनुख नहीं कहना चाहिदा। हुण उपदेश देंदा है, समझांदा है। जफर आदमी उसको ना जानिएगा, वो कितना ही आलम फैजोल जका, कितना पढ़ा लिखा होवे, कितना दानी होवे, कितना ज्ञानी होवे, बहुत आलम फाजल होवे, उन्हों मनुख नहीं कहना चाहिदा। हद हो गया, ज्ञानी होवे, दानी होवे, पढ़ा लिखा होवे, आलम फाजल होवे, कहिंदा कोई लोड़ नहीं इसनों मनुख कहण दी। जफर आदमी उसको ना जानिएगा, वो कितना ही आलम फैजो जका, जिसे ऐश में याद खुदा ना रही, जिसे तैश में खौफे खुदा ना रहा। जिन्हों संसार दे सुखां दे
परमात्मा की याद भुल गई है, जिन्हों क्रोध दे रब का डर भुल गया, कहिंदा इन्हों मनुख कहण की की लोड़ है, इन्हों इंसान कहण की की लोड़ है, क्योंकि क्रोध दे बड़ी भयंकर गलती करेगा। कहिंदा मनुख नहीं कहना चाहिए, उस मनुख नूं दुनियावी सुखां दे जो रब नूं भुल गया, ते क्रोध दे जिसनों रब का डर भुल गया, जिसे ऐश में यादे खुदा ना रही, जिसे तैश में खौफे खुदा ना रहा। बहुत कीमती बोलने इस बादशाह दे, पहला मुगल बादशाह बाबर महाजालम, महाजालम आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह, बड़ा दानी ते ज्ञानी भजनीक, इदियां नज़मां बड़ी कीमती ने। ए गालिब ज़ौक बड़े बड़े शायर विद्वान इदे दरबारी शायर सन, तुसी खुद अंदाजा लाओ। ये आलमां ते फाजलां नाल रहिंदा सी, विद्वानां नाल रहिंदा सी, सत्संग दे च बैठ के खुश रहिंदा सी। बाकी ने कुछ इतिहासकार कहिंदे ने इसे वास्ते राजपाट जल्दी गवा बैठा, रुचि नहीं सी इहदे च, लिपाए मानता नहीं सी। तो खैर गल किथे दी जो है, किथे जो है चली गई। मैं अर्ज कर रहा सी धर्म दी साधना मन दी साधना। मन एक ऐसा बीज है, इहदे च परम आनंद पैदा हो सकदा है। बस इन्हां 10-15 मिनटां च मैं यह विचार थोड़े सामने रखा। मन एक ऐसा बीज है जिहदे चों परम आनंद पैदा हो सकदा है। ये बीज हर एक कोल है, परम रस पैदा हो सकदा है, परम सुख पैदा हो सकदा है, महागुण पैदा हो सकदे ने, महाशक्ति पैदा हो सकती है। शक्ति दा, रस दा, आनंद दा, सुखां दा, खेड़े दा, खुशियां दा बीज मनुख कोल है। कोई ऐसा मनुख नहीं जिहदे कोल बीज ना होवे। तुसीं आखोगे बीज की है, मन यही बीज है। पर बीज दे चों फल पैदा होवे, हर बीज दे च फल है कि आनंद। अजो कि सैंस सफल हो गई है बीज दे च फल देखण दे च, भई इस बीज दे चों इस तरह का फल निकल सकदा है, इस तरह के पत्ते, इस तरह का बूटा। अज दी सैंस सफल हो गई है बीज दे च ब्रिक्स देखण दे च, बीज दे च फल वेखण दे च अजोकी सैंस सफल हो गई है। कर्म दे च ते मन दे च फल देखण दे च प्राचीन काल तो अवतारी पुरश संत जन सफल रहे ने, इस कर्म तो यह फल मिलेगा और मन दे बीच चो ये फल निकल सकता है। ये वेखण दे जो सफल होए उन्होंने संत कहिंदे ने। बाहरले बीजां दे चो फल वेखण दे जिहड़े सफल होए उन्हूं साइंटिस्ट कहिंदे ने। मन दे चो ते कर्म दे चो फल वेखण दे जो सफल होए उसनूं सेंट कहिंदे ने, संत कहिंदे ने, भगत कहिंदे ने। मन बीज है, धन गुरु नानक देव जी महाराज नूं दिखाई दे रहे, आप कहिंदे ने मन बीज है। किहदा बीज है? इस बीज दे च आनंद पैदा हो सकदा है, आनंद दा बीज है, महारस दा बीज है, महाखेड़े दा बीज है, परम शक्ति दा बीज है। ते तुसी आखोगे फिर साडे कोल आनंद नहीं है, बीज बीजना पैंदा है, बोना पैंदा है, तां फल देंदा उंज नहीं देंदा। बड़े ध्यान नाल सुनना, कीमती तो कीमती बीज भी फल देण दे च असमर्थ है अगर उसनू बोवो ना, बीजो ना। पंजाब दे बीजना कहिंदे ने, की बीजना? बीज नू बीजना, बोना। अगर मन बीज है तो फिर धरती मन नू किथे गोडी, किथे बोईए, किथे बीजिए? प्रथम ते गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने, बीओ बीज पत लै गए, अब क्यों उगवे दाल आसा देवार। बंदियां कोल बीज साबत नहीं है, दाल है। बीज नू दल दो ते दाल, हुण तुसी दाल बोवो ते उगदी है? नहीं उगदी, नहीं उगे। कोई तार्किक तर्क पेश करे
ਵੀ ਚਣੇ ਉੱਗਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਚਣਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਗਦੀ? ਆਖਿਰ ਉਸਦੀ ਚਣਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਬਦਾਮ ਉੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਬਦਾਮ ਨੂੰ ਦੁਫਾੜ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਉੱਗੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਉੱਗਦਾ। ਕਣਕ ਉੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਦਲੀਆ ਨਹੀਂ ਉੱਗਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੀਜ ਦਾਲ ਕਰ ਦੇਈਏ, ਦੁਫਾੜ ਕਰ ਦੇਈਏ, ਨਹੀਂ ਉੱਗਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਆਸਾ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਰਹੇ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਧਰਤੀ ਕੀ ਕਰੇ? ਬੀਜ ਹੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ, ਬੀਜ ਦਾਲ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੁਬਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦਾਲ ਹੈ, ਪਹਿਚਾਣ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਦਾਲ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਮਨ ਇਨਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਕਤ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਹਰ ਵਕਤ ਦੁਬਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਨਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਉਂ? ਦੇਖੋ, ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ, ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ, ਇੱਕ ਅੱਗੇ, ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਕਾਨਪੁਰ, ਦਿੱਲੀ, ਲਖਨਊ, ਬੰਬੇ, ਇੰਦੌਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕਦੀ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਾੜੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨ। 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ। 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਨੇ। 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮਹਾਲੋਭੀ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਾਲੋਭੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਚੱਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ। ਥੱਕੇ ਨੇ, ਟੁੱਟੇ ਵੀ ਨੇ, ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ।